गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू दिस ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो अभी एकदम चलो ठीक है ना, आधे घर निकले तो यहाँ पे दुर्गा और भोलेनाथ का दर्शन हो गया। चलो ठीक है, सबका दिन अच्छा रहे और सब एकदम मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय माता दी, जय माता दी। पूरा फूल हो गया है ना, पूरा फूल लिख रहा है ना, पूरा फूल है। हाउसफुल भाई, हाउसफुल है। तेल कैसे खत्म होता है ना, पता भी नहीं चलता है, एकदम पता नहीं चलता, एकदम नहीं है ना। ये बात है, मतलब अगर नॉर्मल मार्केट में चलते हैं तो 30 का एवरेज देता है, ठीक है। और अगर हाईवे पे चलते हैं ना तो हाईवे पे वही लगभग 36 तक हम जो है ना, मतलब इसको मापे हैं 36 तक एकदम, ठीक है। और सर्विसिंग अभी पहला ही हुआ है, तो लोग कहते हैं कि अगर सर्विसिंग अगर एक मतलब जैसे हो जाएगा ना तो थोड़ा सा बढ़ेगा एकदम, ठीक है ना। 40 प्लस आ जाए तब तो मज़ा आ जाए एकदम, है ना। कोई नहीं, है ही तो सब, क्या किया जा सकता है। क्या होता है ना, देखो हर एक दिन जो है ना कैसे गुजरते चलता है ना, पता भी नहीं चलता है, है ना। मेरे पास ढेर सारा काम है, बहुत सारा काम पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी रोज का गंदा वाला आदत क्या हो गया है ना, कि दिन में मैं सो जाता हूँ, मन करता है कि आधा घंटा के लिए सो जाऊँ, लेकिन जब सोता हूँ ना तो 2 से 2.5-3 घंटा हो सकता है, उठने का ही मन नहीं करते रहता है। गंदा वाला आदत हो गया, पता है 3 घंटा अगर सो गए ना उतना ही 3-4 घंटा दिन का टाइम में बचता है, ठीक है। तो सारा टाइम पूरा ख़त्म हो जाता है, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और एक चीज़ मैं हमेशा रियलाइज़ किया हूँ ना, कि जब मैं खूब ज़्यादा बिजी रहता हूँ तो काम भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा ये भी नहीं होता है। वही ना कह रहे हैं कि बीकानेर में था तो मैं अन अकेडमी भी मेंटेन करता था, ऑफिस भी करता था, ट्यूशन भी करता था, यार मतलब पूरा एकदम, फिर भी सब हो जाता था आसानी से एकदम। एक मिनट भी जो होता है ना, अभी जो लगता है बैठ के आधा घंटा यूट्यूब देख लेते, उस समय यही सब टाइम एकदम मिसयूज, एकदम नहीं मिसयूज ऑफ टाइम, ठीक है ना। और पूरा रात सोने टाइम तक ले पूरा कंटेंट बनाना, क्या है कि सुबह में ना मतलब 12 बजे तक सोते थे, 5:30 बजे हमको याद है, 5:30 बजे तक हमको बेड छोड़ देना है। थोड़ा सा भी गलती से मिस्टेक हो गया ना तो फिर 6 बजे से जो क्लास, 7 बजे से रखे थे क्लास, फिर ऑफिस जाके फिर लेना होता था, तो वो सब नहीं हो पाता एकदम, क्योंकि 5:30 उठना, फ्रेश होना, थोड़ा बहुत जो कंटेंट बचा रहता था उसको भी पूरा करना, फिर से एक क्लास 9 बजे से था, एक 7 बजे से था, तो 7-8 बजे तक होता था, फिर 8 से पहले तो 10 बजे से रखे थे, तो बीच में 2 घंटा अगले क्लास के लिए कंटेंट करना, मतलब फटके हाथ में आता था, लेकिन मज़ा पूरा आता था। लेकिन यही होता है, मतलब जितना ज़्यादा बिजी रहोगे ना उतना ज़्यादा काम होता है, ठीक है। कुछ दिन पहले का मैं बात बता रहा हूँ, मतलब जब मैं लास्ट टाइम पटना में था, ठीक है, तो मेरा बहुत सारा पेपर था, ठीक है। तो जिम जो है ना मैं इसलिए छोड़ दिया, जिम मतलब 2-2.5-3 साल किया लगातार, और मेरा एग्ज़ाम आ जाता था ना, तो मैं कहा कि दूर अब छोड़ते हैं बाद में करेंगे, जिम भी छोड़ दिए। जिम के लिए मैं उठता था 4 बजे, 4:30 बजे तक जिम पहुंच जाते थे, ठीक है। उस समय मेरा हर एक टाइम यूज आता था। मजे की बात बताऊं कि आखिर मैं फिर से उस समय भी ना 7-8 बजे से पढ़ना शुरू करता था, और जब जिम छोड़ भी दिया ना तो सोए तो सो ही रह गए, 9 बजे कभी उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं। इसलिए लाइफ में यार जितना ज़्यादा बिजी रहोगे ना उतना आपका प्रोडक्टिव ये होगा, काम एकदम हर एक टाइम का काम, मतलब बहुत ही मस्त ज़बरदस्त से बीतेगा, लेकिन पता नहीं क्यों है। चलो ठीक है, धीरे धीरे ना आदत भी लगाना होता है, आदत जैसा लगाओगे वैसा काम आपका हो ही जाएगा, ठीक है ना। कि आजकल इतना सारा डिस्ट्रैक्शन सब आ गया है ना, तो सबको झेलना पड़ता है एकदम, लेकिन कहीं ना कहीं होता है क्या है ना, कि हम लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे, सोशल मीडिया हम लोग को यूज कर रहा है अच्छे से एकदम, ये तो होता है। आप लोग क्या लगता है कमेंट जरूर करना। चलो ठीक है, 8:30 हो गया है और फिर से क्लास है यार,
10 बजे से, और जो क्लास जाता है उसका भी कंटेंट बनाना है। तो चलो अभी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो फिट नहीं हो पाएगा। इसलिए चलो टाइम का यूज करना शुरू करते हैं। माता रानी सब ठीक रखे हैं, प्रभु दयानंद। एवरीवन, तो फाइनली बज गया रात का 12:15। अब चलते हैं सोने, सुबह 6 बजे उठना भी है। हवा जो भी बह रहा था वो नहीं बह रहा एकदम, है ना। पूरा मौसम शांत हो गया, हवा मतलब पूरा शांत एकदम, कूलरे का आशा है वो तो चलवे करता, लेकिन फिर थोड़ा सा बाहर ठंडा है तो फिर अंदर जो है ना वो बेडशीट ओढ़ने वाला काम करना शुरू कर देता है एकदम। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।